हेलो स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस एपी का, है ना। एक्सरसाइज 9th भी, क्वेश्चन नंबर 8 एशन का। तो ये क्वेश्चन, फाइंड द 60th टर्म ऑफ एपी, एपी इज गिवन 8, 10 एंड 12 एंड सो ऑन। If it has a total of 60 terms, तो numbers of terms कितना है इसके अंदर? 60 terms है, मतलब definite AP है। Hence, find the sum of last 10 terms। तो क्या करना है हमें? एक तो हमें 60 term find करना है जो AP given है, मतलब कि last term उसका 60 term, और उसके अलावा हमें last 10 terms का हमें sum of find करना है। सही है? समझ में आ गया क्वेश्चन? ठीक है, तो सबसे पहले 60 टर्म फाइंड करेंगे बाय दिस फॉर्मूला, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, तो यहाँ पे एन कितना लेना है हमें? 60 लेना है। ओके, एंड ए गिवन है कितना है? 8 है, सही है ना। और डी ऑल्सो गिवन, डी इज इक्वल टू वॉट? T2 माइनस T1 मतलब कि 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2, और T3 माइनस T2 मीन्स 12 माइनस 10 इज इक्वल टू 2। सो डी भी गिवन है 2। ओके, तो इतना तो वैल्यू हमारे पास है, और सिंपल फॉर्मूला से हम लोग T60 फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो वी विल फाइंड T60 क्या होगा? A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये कितना है? 8 प्लस एन माइनस 1, एन माइनस 1 मीन्स 60 माइनस 1, एंड डी, डी डिफरेंस कितना है हमारे पास? 2। सो बहुत इजी हो गया, ये कुछ नहीं है, 59 इंटू 2। ओके, आंसर क्या आएगा? 8 प्लस 9 टू जा 18, 5 टू जा 10, 118। ओके, सो 126 इज अवर 60th टर्म, तो ये फाइंड कर लिया हमने 60 टर्म ऑफ द एपी। अभी हम फाइंड करेंगे लास्ट सम, मतलब लास्ट 10 टर्म्स जो है उसका सम ऑफ फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे? तो कर सकते हैं कि हम क्या करेंगे, पहले 60 टर्म का जितना टोटल टर्म्स है, 60 टर्म्स का हम सम फाइंड करेंगे, उसमें से 50 टर्म्स का सम सबट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो पहले दो इंडिविजुअल हम फाइंड कर देते हैं, एंड देन वी विल सबट्रैक्ट, सो लास्ट 10 टर्म्स का सम हमें मिल जाएगा। ओके, सो सम ऑफ 60 टर्म्स, राइट, 60 टर्म्स का सम्स क्या रहेगा? ऑब्वियसली फॉर्मूला हम लोग ये निकाल ले सकते हैं, क्यों? एन बाय टू ए प्लस एल, क्योंकि 60 टर्म मतलब कि ये क्या है हमारे पास? एल है, लास्ट टर्म है ना, जो एपी है उसका ये 60 टर्म क्या है? लास्ट टर्म है। तो 60 टर्म जो लास्ट टर्म है, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एस एन एन बाई टू ए प्लस वन एल, ये करने से भी आंसर तो आएगा लेकिन ये थोड़ा इजी हो जाएगा। ओके, तो हम ये वाली फॉर्मूला यूज करके एस 60 फाइंड करते हैं। ओके, तो एन बाय टू मतलब क्या हो जाएगा? 60 बाय 2, ए प्लस अंडर ब्रैकेट ए प्लस एल, ए मतलब फर्स्ट टर्म, तो वो क्या है हमारे पास? सॉरी, ए इज इक्वल टू 8, एंड एल हमने अभी ये फाइंड किया, ये एल है ना, ये एल ही तो है, तो 126 जो है उसका क्या है? लास्ट टर्म है। सही है, ठीक है, तो यहाँ पे कटिंग हो जाएगा, कटिंग तो 30 हो जाएगा, एंड 126 प्लस 8 तो कितना होगा? 8 प्लस 6 14 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं तो सब मिल जाएगा, 4 3 जा 12, एंड 3 3 जा 9 एंड 1 0, एंड 3 1 जा 3 एंड 4 4 0 2 0। सही है, तो S 60 हमें मिला 4 0 2 0, तो ये हमारा सम है S 60। अभी भी हमें फाइंड करना, क्या फाइंड करना है? एस 50। ओके, सो वो हम फाइंड कर लेते हैं, एस 50 क्या हो जाएगा? देखो एस 50, अभी देखो 50 नंबर का टर्म जो है वो हमें नहीं पता है,
तो हम ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे एन बाय टू ए प्लस एल वाले, है ना। कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे? ये वाले करेंगे। क्यों? क्योंकि 50 टर्म अवेलेबल नहीं है। तो ये फॉर्मूला डालने से एन बाय टू, तो क्या लिखेंगे? 50 बाय 2, देन वॉट? 2a, 2 टाइम्स ऑफ a, a क्या है? 8, प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 मतलब कि n टर्म्स कितना यहाँ पे लेना है हमें, क्योंकि हमें 50 टर्म्स के सम निकालना है, तो 50 माइनस 1, एंड d क्या लेंगे हम? d लेंगे 2, क्लियर है? सबको क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, बहुत सिंपल हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो कटिंग होने से यहां से मिल जाता है हमें 25, 8 टू जा 16, एंड वॉट? 49 इंटू 2, क्लियर, फाइन। अब देखते हैं 25, और ये क्या आ जाएगा आंसर? 16 प्लस 98, एडिशन कर लेते हैं इसका, एंड देन मल्टीप्लीकेशन। तो 8 प्लस 6 14, 9 प्लस 1 10 एंड 11, इसका मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। कर लेते हैं 114 25, तो कुछ ऐसा आ रहा है, कितना? 2850 एस 50, है ना, 2850। ओके, सो अभी हमें फाइन करना है, कौन सा फाइन करना है हमें? लास्ट 10 टर्म्स हमें फाइन करना है। तो क्या करेंगे हम? एस 60 जो 60 टर्म्स है वो, और ये 50 टर्म्स, इसमें से हम सिंपल सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स इज इक्वल टू क्या होगा? एस 60 माइनस एस 50। एस 60 क्या है? 4020, और एस 50 हमने कितना निकाला? 2850, बराबर। ओके, फाइन। सो सब्ट्रैक्शन करेंगे, 0 0, 12 माइनस 5 7, एंड 9 माइनस 8 हो जाएगा 1, 3 माइनस 2 हो जाएगा 1, सो 1170 इट्स अवर आंसर। 1170 सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स, क्लियर बच्चों? ओके, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ओके, तो बच्चों इसके अंदर क्या है कि फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 101 एंड 999 विच आर डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 5। ओके, तो ये क्वेश्चन में ऐसा है कि 101 से लेके 999 तक जितने भी नंबर्स है उसका हमें सम ऑफ फाइंड करना है। हाँ, ये क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी पूछते हैं कि फाइंड द नेचुरल नंबर्स बिटवीन 101 टू 999 विच विल बी डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 5। ओके, सो दे कैन आस्क समथिंग लाइक दिस, बट हियर दे आस्क सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो हमें सम निकालना है। लेकिन जो नेचुरल नंबर्स जितने भी है वो तो हमें नंबर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स हमें फाइंड करना ही है, जो नंबर्स 2 एंड 5 बोथ मतलब दोनों से डिवाइड हो सकते हैं। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 5 से भी डिवाइड हो सकता है, मतलब क्या, कौन सा नंबर होना चाहिए? तो 2 एंड 5 का एलसीएम ही होना चाहिए, मतलब कि 10 जो है वो एलसीएम है, और 10 जो होगा अगर वो 10 से डिविजिबल है, देखो यहाँ पे 2 एंड 5 है तो हमें एलसीएम निकालना है, और 10 जो होगा वो नंबर ऐसा होगा अगर वो 10 से डिवाइड है, इट मींस 2 एंड 5 से डिवाइड है। तो ये 101 से लेके 999 तक जितने भी नंबर 10 से डिविजिबल है वो सारे नंबर्स यहाँ पे इंक्लूड होंगे, समझ में आया ना?
देखो ये क्वेश्चन चेंज हो सकता है, हाँ हालांकि आपके स्टैंडर्ड में पूछना मतलब थोड़ा डिफिकल्ट होगा, पूछ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे अगर 2 और 5 लिखा है तो क्वेश्चन पूरा चेंज हो जाएगा। मतलब क्या होगा कि वो 2 से भी डिवाइड हो सकता है और 5 से भी डिवाइड हो सकता है। तो वो केस के अंदर क्या करोगे आप, वो केस के अंदर हमें ना 2 से जो डिवाइड हो सकता है उसका पूरा एपी बनाना पड़ेगा, एंड देन 5 से जो डिवाइड हो सकता है उसका एपी अलग बनाना पड़ेगा, और दोनों का सम ऑफ अलग करके, है ना, 2 से जो डिविजिबल है वो नंबर्स का सम और 5 से जो डिविजिबल है उसका सम, दोनों का अलग अलग करके फिर एडिशन करना पड़ेगा। क्यों अब चेक करना, क्योंकि 2 और 5 लिखेंगे तो एपी पॉसिबल नहीं होगी, क्यों, 2 एंड 5 है तो कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं आएगा, इसलिए 2 का अलग करना पड़ेगा 5 का अलग पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे इजी है, सिंपल दिया है कि 2 एंड 5 मतलब 2 से भी डिविजिबल है एज वेल एज 5 से भी है, इट मींस नंबर विल बी डिविजिबल बाय 10, एलसीएम ऑफ 2 एंड 5। अगर मान के चलो यहाँ पे मुझे दिया होता कि 4 से भी डिविजिबल है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर 4 से भी डिविजिबल है एंड मान के चलो कि 6 से भी डिविजिबल है तो वो केस में क्या होता, इसका एलसीएम हमें निकालना पड़ता और एलसीएम आ जाता आपका 12, तो वो फिर 12 से डिविजिबल होना चाहिए। समझ में आया ना, ठीक है, तो बुथ यहां पे 2 एंड 5 से डिविजिबल है। क्लियर बताया है बिटवीन 101 एंड 999, ओके, इट मींस ये और दो नंबर एक्सक्लूड रहेंगे, बिटवीन है, बट अगर आप ये बात नहीं भी समझे तो अभी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, क्योंकि 101 एंड 999 वो वैसे भी 10 का डिविजिबल नहीं है, तो वो एपी में वैसे भी इंक्लूड नहीं होने वाले हैं। क्लियर है, ओके, तो सबसे पहले एपी बनाना पड़ेगा, ओके, तो एपी क्या होना चाहिए, देखो 2 एंड 5 डिविजिबल बाय 2 एंड 5, ओके, इट मींस डिविजिबल बाय व्हाट, 10, इतना क्लियर है सबको, एंड ओके, सो देयरफॉर एपी इज व्हाट, हां एपी क्या होगी आपकी, एपी होगी हमारी 101, 101 से सबसे पहले 10 का डिविजिबल नंबर 110, करेक्ट, क्या आ जाएगा 110, उसके बाद ऑब्वियसली 10 का मल्टीपल लेना है तो क्या लेंगे 120, 130। अभी देखो बहुत सारे नंबर्स आने वाले हैं ना, तो ऐसे हम नहीं लिखेंगे, लेकिन लास्ट टर्म हमें पता होना चाहिए, वैसे भी पता चल जाएगा कि 999 इससे पहले लेस देन 999 डिविजिबल ऑफ 10 क्या होगा, 990, करेक्ट, क्या होगा 990, ओके 990, तो ये होगा हमारा एबी। एक अच्छा, हमें ये नहीं पता है कि नंबर्स ऑफ टर्म्स कितने हैं ये एपी के अंदर, कहां से शुरू किया हमने, एपी तो कंस्ट्रक्ट कर दिया हमने 110 120 130 up to 990, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि कितने नंबर्स है, तो ये सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें सम निकालना है तो नंबर्स कितने हैं, है ना, नंबर्स ऑफ टर्म्स कितने हैं ये तो हमें ऑब्वियसली पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा, गिवन नहीं है, तो वी कैन फाइंड, कैसे फाइंड करेंगे बताओ बच्चों, कि अगर ये एपी है तो कैसे फाइंड करेंगे, पहले किया हमने, पहले की वीडियोस देख ले, इसके अंदर जो प्रीवियस एक्सरसाइज थी इसके अंदर हमने एन निकाला है, यही फॉर्मूला डाल के, है ना, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला डाल के हमने एन निकाला है, ओके okay, तो ये एपी के अंदर सबसे पहले सेपरेट कर लेते हैं कि फर्स्ट टर्म ए क्या है एंड देन कॉमन डिफरेंस क्या है, ठीक है ना, ओके फाइन, सो क्या होगा, देखो बेटा हाँ बच्चों, ए इज इक्वल टू 110, ये तो क्लियर है, और कॉमन डिफरेंस डी क्या होगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब कि 120 माइनस 110 इज इक्वल टू 10, 10 का मल्टीपल हमें पता है डी, वही आने वाला है लेकिन लिखना पड़ता है, 130 थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म क्या आ जाएगा 10, तो डी भी हमें हमारे पास आ गया,
इसकी वैल्यू टीएन के अंदर सब्स्टिट्यूट करके हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, एन फाइंड कर सकते हैं। ओके सो जो फॉर्मूला है हमारी टीएन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो टीएन यहाँ पे गिवन है मतलब कि लास्ट टर्म, ये हमें पता है कि ये एपी का लास्ट टर्म एंथ टर्म कौन सा है 990, तो हम लोग लिखते हैं कि ये 990 है। ए कितना है हमारे पास 110 है, प्लस एन माइनस वन क्यों, एन हमें फाइंड करना है, डी गिवन है कितना 10, क्लियर। सिंप्लीफाई कर देते हैं, 110 990 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड आएगा तो मिलेगा क्या हमें 880। ओके और एन माइनस वन इंटू 10, ये 10 किधर को जाएगा डिवीजन में, कहां चला जाएगा इधर को, तो क्या रहेगा यहाँ पे 88 इज इक्वल टू एन माइनस वन, तो एन हमें कितना मिलेगा माइनस वन इस तरफ आएगा तो प्लस वन हो जाएगा, तो कितना मिला 89, ठीक है। ओके तो एक पार्ट हमारा खत्म हुआ, कौन सा वाला कि यहाँ पे कितने टर्म्स है, कितने टर्म्स है 89 टर्म्स है जो 2 एंड 5 से डिविजिबल है। ओके अभी हमें टर्म्स मिल गया एन, हमारे पास फर्स्ट टर्म है लास्ट टर्म है, सो वी कैन फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म्स, राइट। ओके तो ये वाला फॉर्मूला इजी रहेगा, ये यूज नहीं करेंगे क्योंकि लंबा जाएगा, बेटर है ये क्योंकि लास्ट टर्म अवेलेबल है, अगर लास्ट टर्म अवेलेबल नहीं है सो वी हैव टू गो विद दिस फॉर्मूला, क्लियर बच्चों। ओके फाइन, सो ध्यान रखो कैसे होगा, एस एन एस एन एस एन एन क्या है हमारे पास 89, राइट 89 है ना, टोटल कितने टर्म्स है 89 टर्म्स है, तो 89 एन बाय टू इट मीन्स 89 बाय टू, सही है 89 बाय टू, एंड ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे ए प्लस एल, फर्स्ट टर्म क्या है 110 प्लस एल लास्ट टर्म क्या है 990, सही है कि नहीं, गुड। तो हो गया, ये कितना होगा 89 अपॉन 2, ये दोनों का एडिशन करो कितना हो जाएगा 0011, सही है। सो 1100 1100 इसका थोड़ा कटिंग हो जाएगा 550, इसका मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं कितना होता है 89 एंड 55, आंसर आएगा 48950, ऐसा ही कुछ है, ठीक है। तो 48950 विल बी सम ऑफ नंबर्स बिटवीन 101 एंड 999 विच आर डिविजिबल बाय 2 एंड 5, क्लियर बेटा। ओके सो राइट डाउन, यस बच्चा क्वेश्चन नंबर 13, ओके एसएन एक्सरसाइज 9D, ये क्वेश्चन फाइल में जाएगा क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है तो ये फाइल में जाएगा। क्वेश्चन इज फाइंड द मिडल टर्म ऑफ द सीक्वेंस फॉर्म्ड बाय ऑल द नंबर्स बिटवीन 9 एंड 95, तो 9 एंड 95 के बीच में जितने भी नंबर्स है उसके बात हो रही है, उसका मिडिल टर्म फाइंड करना है, लेकिन कंडीशन इज गिवन विच लीव अ रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 3। ओके तो बच्चों यहां पे एक नंबर है इनिशियल हमारे पास 9 और दूसरा नंबर है एंड वाला 95, ये दोनों एक्सक्लूड है, ये नहीं गिनना है, लेकिन इसके बीच में जितने भी नेचुरल नंबर्स है जब हम उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो वहां पे 1 रिमाइंडर होना चाहिए और वो जो एपी बनेगी उसको हमें कंसीडर करना है, ठीक है। तो कैसी एपी बनेगी, समझ के चलो कि ये 9 के बाद, देखो 9 खुद तो डिविजिबल है ना, तो उसके बाद क्या आएगा 10 आएगा। ओके
तो नाइन्थ खुद डिविजिबल है, वैसे भी ये एक्सक्लूड रखना है, लेकिन इसके बाद मतलब जो वन रिमाइंडर बचेगा, तो 10 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे है ना, तो क्या होगा, 3 3 9 एंड 1 विल बी रिमाइंडर, सही है ना। तो देखो पहले 3 का देख लेते हो, 9 के बाद 3 का डिविजिबल क्या होगा, सॉरी 9 के बाद 3 का डिविजिबल 12 आएगा, 15 आएगा है ना, यहाँ पे क्या आ सकता है, 93 आ सकता है, 94 आ सकता है, देन 95, 94 नहीं आएगा ना, सॉरी 93 आ सकता है, देन 95। ओके, तो ये नंबर 3 के डिविजिबल है, इतना समझ में आया। ओके, अब हम क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे, जैसे कि 9 है तो इसके बदले हम 10 लिखेंगे, तो क्या होगा, जब हम 10 को 3 से डिवाइड करेंगे देन रिमाइंडर विल बी व्हाट, 1। फिर 12 के बदले हम लिखेंगे 13, राइट, तो 13 को जब हम डिवाइड करेंगे 3 से तो क्या होगा, रिमाइंडर विल बी 1, 4 3 जा 12 एंड 1 विल बी रिमाइंडर। ऐसे ही देखो 15 के बदले हम क्या लिखेंगे, 16। ऐसे करते करते देखो 93 है तो वो 3 का डिविजिबल है, लेकिन रिमाइंडर 1 चाहिए तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, 94, सही है, 95 96 बाद में आता है, तो ये हमारा लास्ट टर्म हो जाएगा। समझ में आया बच्चों, एकदम क्लियर। तो हमने पहले क्या लिखा, 3 का डिविजिबल लिखा, 3 का डिविजिबल लिखने के बाद 1 1 ऐड कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि जो नंबर हमें एपी में लेने हैं वो रिमाइंडर 1 आने चाहिए आफ्टर डिवाइडिंग द 3, क्लियर। ओके फाइन, तो एपी क्या बनेगी हमारे पास, देख लेते हैं एपी क्या बनेगी, जो एपी रहेगी वो क्या रहेगी, 10, ओके, 13, 16, कहां तक, 94 तक, क्लियर बच्चों, इतना बहुत इजी, बहुत अच्छा। चलो यहां तक अगर क्लियर है तो हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन था, हम द फाइल द मिडल टर्म ऑफ द सीक्वेंस था, तो हमें ये जो सीक्वेंस है उसका मिडल टर्म फाइंड करना है, मिडल टर्म फाइंड करना है, मिडल टर्म मतलब कि नंबर फाइंड करना है खाली, मतलब कि जितने भी टर्म्स होंगे, मान के चलो कि 51 टर्म्स है तो मिडल नंबर क्या आएगा, तो 25 आएगा है ना, तो उस हिसाब से, सॉरी 26 आएगा, तो उस हिसाब से हमें सिर्फ क्या करना है, इसका मिडल नंबर फाइंड करना है। तो मिडल नंबर पता कैसे चले, जब हमें पता चले कि नंबर्स ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर्स ऑफ टर्म्स कैसे पता चलेगा, यही फॉर्मूला हमने जो पहले भी हमने प्रैक्टिस की है, tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू बी, तो उसके लिए थोड़ा प्रोसेस करते हैं। चलो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ओके ठीक। टीएन क्या है बेटा, अब बच्चों हमारे पास 94 है, ए क्या है हमारे पास 10 है, देखो यहाँ पे हमने सेपरेट करना बाकी रह गया, ए हमारे पास 10 आ रहा है, डी कितना आ रहा है भाई, 13 माइनस 10 मतलब 3, एज वेल एज 16 माइनस 13 इज इक्वल टू 3, तो ए है हमारे पास 10, एन एन तो नहीं पता है हमें फाइंड करना है, एन डी डी क्या है 3, सही है बच्चों। ओके, अभी 10 इस तरफ जाएगा तो क्या बचेगा, 94 माइनस 10 84 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 3, 3 डिवीजन में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऐसे तो कटिंग कर लेते हैं, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 24 हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या होगा, n माइनस 1, तो n क्या बना, मिला हमें 29। तो बच्चों इसके अंदर 29 टर्म्स है, देखो प्रीवियस जो वीडियोस है उसके अंदर मिडिल टर्म का भी एक क्वेश्चन था, वहां पे मैंने लिखा था एक फॉर्मूला, अगर याद है तो आपको, कि अगर ऑड नंबर से वी कैन फाइंड द ऑड नंबर बाय दिस फॉर्मूला एन प्लस वन अपॉन टू, मतलब कि अगर 29 टर्म्स है तो मिडिल नंबर क्या होगा, 29 प्लस 1 अपॉन 2, तो मिडिल नंबर क्या होगा, सो मिडिल नंबर क्या होगा, n प्लस 1 मतलब कि 29 प्लस 1 अपॉन 2 क्या होगा, 15, 29 प्लस 1 30 डिवाइड बाय 2, तो ये हो गया 15, क्या हो गया हमारा मिडल नंबर हो गया, ये है आंसर एक हमारा, फाइंड द मिडल टर्म। ओके,
टर्म ऑफ द सीक्वेंस, कौन सा नंबर है? 15th टर्म है, और वो अगर टर्म भी अगर हमें फाइंड करना पूछे तो भी आप फाइंड कर सकते हो बाय दिस फॉर्मूला, है ना। आपको सीधा n इज इक्वल टू 15 लेके काम करना है तो आपको मिडिल टर्म जो फाइंड करना रहेगा वो मिल जाएगा। ओके, तो जो क्वेश्चन है उसके बाद यहां पे क्वेश्चन लिखा था फाइंड द मिडिल टर्म, हमने यहां पे सिर्फ फाइंड किया है सीक्वेंस ऑफ दिस वन। ओके, तो अगर क्वेश्चन, क्योंकि जहां पे एस्टन ने आंसर की है वहां पे मिडिल टर्म जो है वो ही यही फाइंड किया हुआ है, पहले हमने देखा था, आप चेक कर लेना। अगर नहीं है तो आप ये फॉर्मूला से 15th नंबर का टर्म फाइंड कर सकते हो ना। ओके, ठीक है। अगर फाइंड करना भी है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ नंबर्स ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द मिडल टर्म। अब देखो तो ये सीक्वेंस है, तो ये सीक्वेंस में ये 15th नंबर का जो टर्म होगा, वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, तो ये जो t15 होगा, है ना, t15 जो होगा इसके आगे कितने टर्म्स रहेंगे? 14 टर्म्स रहेंगे, सही है। उसके बाद में कितने टर्म्स रहेंगे? 14 टर्म्स रहेंगे, टोटल 14 28 और एक ये मिडिल टर्म, तो हमारे टोटल 29 टर्म्स हो गए। तो 20 जो t15 है उसके पहले के 14 टर्म्स पूछा है यहाँ पे। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ नंबर्स ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द मिडल टर्म, मतलब कि ये सम क्या होगा और ये सम क्या होगा। ओके, तो t15 के पहले के जितने भी टर्म्स है उसका सम फाइंड करना हमें, और t15 के बाद के जितने भी नंबर्स है उसका सम फाइंड करना है। क्लियर है? तो दोनों सम हमें फाइंड करने हैं, ठीक है। ओके, इसको ऐसे ही रहने देता हूं, समझ में रहे इसलिए। और हम फाइंड करेंगे फर्स्ट 14 टर्म्स का आंसर सम ऑफ। ओके, तो s 14 रहेगा। ओके, s 14 फॉर्मूला क्या रहेगी? टोटल नंबर्स कितने हैं यहाँ पे? n/2, मतलब क्या लिखेंगे? 14/2। ओके, आराम से, कुछ भी जल्दबाजी में नहीं करना, आराम से करना, स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगी, जितना अंडरस्टैंडिंग आपका इंप्रूव होगा उतनी ही स्पीड बढ़ेगी। तो स्पीड पे अभी फोकस नहीं करना है, अभी आपको अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना है, फिर प्रैक्टिस पे फोकस करना है, ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी, है ना। ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है क्योंकि बहुत सारी चीज एक ही क्वेश्चन में उन्होंने डाल दी है, तो थोड़ा लेंदी हो जाता है। एनीवे, तो h 14 अपॉन 2, देखो अभी ये फॉर्मूला हम डिराइव नहीं यूज नहीं कर सकते क्योंकि 14th नंबर का टर्म हमें नहीं पता है, इसलिए हम कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे? ये वाली फॉर्मूला यूज करेंगे, सही है ना। तो n/2 लिखा, 2 into a, ए कौन सा है हमारे पास? 10 है, 10 प्लस n-1 मतलब 14-1 इंटू डी मीन्स 3, तो ये वाली फॉर्मूला हम यूज करेंगे। कौन सी वाली? सेकंड वाली, सम के लिए। देखो तो देखो क्या आएगा, 7 बचेगा, 14/2 7, देन ये हम लिखेंगे 20, यहां हो जाएगा 14-1 13, 13 into 3 39, क्या लिखेंगे? 39। ओके फाइन, तो 7 अभी इसका सम अब क्या हो जाएगा? 59। अब मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, 9 7 जा 63 7 5 जा 35 and 6 हो जाएगा 413। तो s 14 जो फर्स्ट 14 टर्म से उसका सम क्या आएगा? s 14। क्लियर है बच्चों? अब हमें फाइंड करना है लास्ट 14 टर्म्स का क्वेश्चन, लास्ट 14 कैसे फाइंड करेंगे हम? देखो लास्ट 14 का करना है, इसका मतलब कि हमारे पास 16th से लेके लास्ट टर्म मतलब कि 94 तक हमें करना है, और यहां पे 16th नंबर का टर्म अवेलेबल नहीं है क्योंकि अभी ये 16th नंबर का टर्म है ना, ये जो एपी रहेगी पीछे वाली, ये 16th नंबर का टर्म जो होगा t15 के बाद होगा ना, t15 के बाद कौन सा नंबर आएगा? t16 आएगा, फिर t17 18 और जाएगा कहां तक? t
29 तक जाएगा, तो हमें जो सम फाइन करना है इतना फाइन करना है 16 से। T29 है हमारे पास 94, लेकिन ये नंबर है हमारे पास T16 नहीं है। क्यों चाहिए हमें? क्योंकि इतनी एपी के लिए ये हमारा फर्स्ट टर्म बन जाएगा कि नहीं, बन जाएगा ना, ठीक है। तो ये फर्स्ट टर्म बन जाएगा, तो हमें T16 पहले फाइन करना रहेगा। जब हम T16 फाइन कर लेंगे तभी तो यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि सम के लिए हमें ए तो चाहिए ही चाहिए, फर्स्ट टर्म तो चाहिए ही चाहिए। तो यहां से हमें ए मतलब कि T16 फाइन करना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले T16 फाइन करेंगे, सबसे पहले T16 फाइन करेंगे। इतनी जगह है, ट्राई करते हैं, हो जाए तो, नहीं तो आगे करेंगे, क्योंकि बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ रहा है क्वेश्चन के हिसाब से, और मैं नहीं चाहता हूं कि दो पार्ट में कर। ओके ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेट रहेगा, आप ध्यान रखना। लेकिन T16 मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला ए, अभी देखो T16 मतलब ए, तो देखो समझो, गलती नहीं होनी चाहिए। T1 T2 ऐसे करके हमें T16 फाइन करना है, समझे ना। तो यहां पे जो T1 है यही ए लगेगा, दूसरा नहीं लगेगा, ध्यान रखना बराबर, ध्यान से देखो। T1 जो है वो ए रहेगा, मतलब T16 के लिए ए रहेगा, कौन सा रहेगा, ए 10 रहेगा। तो T16 मतलब कि ए प्लस एन माइनस वन, एन कितने रहेंगे 16 टर्म्स, तो 16 माइनस वन इंटू डी, डी कितना रहेगा, वो तो 3 ही रहेगा ऑब्वियसली, हर जगह पे टेंशन नहीं उसका। तो 10 प्लस 15 इंटू 3 है ना, 15 इंटू 3 होगा ना, तो कितना हो जाएगा 45। इसका सम कितना आएगा 55। तो जो T16 नंबर का टर्म है, T16 नंबर का जो टर्म है वो क्या है 55 है। ओके तो जब हम एपी लिखेंगे, जब हम एपी लिखेंगे किसकी, आफ्टर T15 मतलब कि T16 T17 एंड अप टू T29, तो ये एपी क्या बनेगी हमारे पास, पहला ये टर्म क्या आया हमारा 55, उसके बाद डी तो 3 है हमें पता है, तो क्या होगा 3 और एड होगा ना, तो 58 एंड कहां तक जाएगा ये 94 तक जाएगा। तो जो मिडल टर्म के बाद वाली जो एपी रहेगी ये रहेगी 55 58 एंड 94 तक। समझ में आया ना, आराम से समझना, आराम से समझना, ऐसा है तो रिवाइंड करके फिर देख लेंगे क्या क्या मैं बोल गया। ओके तो T16 जो रहेगा ये एपी के लिए, मतलब कि ये नेक्स्ट वाला जो हमें सम निकालना है उसके लिए, ये अब ए बन जाएगा फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी। क्लियर है एकदम से, बस फाइन। देखो अभी हमें सम फाइन करना है, तो हम फाइन करते हैं कितने टर्म्स होंगे ये हमें पता है। T15 के बाद कितने टर्म्स है, 14 टर्म्स है, तो एन कितना लेना पड़ेगा हमें 14 है तो लेना पड़ेगा, बराबर है। ओके फाइन, अभी आपने n इज इक्वल टू 14 ले लिया, तो यहां पे लिखेंगे क्या n बाई टू, 14 बाई टू। अब देखो फर्स्ट टर्म अवेलेबल, लास्ट टर्म अवेलेबल, तो हम लोग यही फॉर्मूला, छोटी वाली फॉर्मूला यूज करेंगे। क्यों भाई, क्यों बड़ी वाली फॉर्मूला यूज करके हम लंबा क्वेश्चन करें, यही तो भी देखना है, क्योंकि वैसे भी क्वेश्चन लंबा हो रहा है, और हम यूज भी अगर गलत फॉर्मूला कर लेंगे तो और फंसेंगे, सही है ना बच्चों। तो ये भी कॉमन सेंस लेके चलनी है कि भाई गिवन डेटा है, ए अवेलेबल, एल अवेलेबल, देन वी विल यूज दिस फॉर्मूला। ओके बच्चों ठीक है, तो ए क्या लिखेंगे 55 लिखेंगे, प्लस एल, एल क्या लिखेंगे 94 लिखेंगे, बराबर है। ओके ये कटिंग हो जाएगा 14 का, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ब्रैकेट में एडिशन क्या आएगा 5 प्लस 4 9 हो जाएगा, 9 प्लस 5 14 हो जाएगा, सही है। इसका मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, 97 जा 63, 74 जा 28 प्लस 6 34 एंड 3 विल बी रिमाइंड, सो 71 जा 7 प्लस 3 तो क्या हो जाएगा 1043, ऐसा ही कुछ आ रहा है क्या एश 14। तो जो ढूंढना था हमें ये नंबर्स, फर्स्ट क्वेश्चन जो था मिडल टर्म कौन सा होगा 15th होगा,
प्रीसीडिंग जो होगा मिडिल टर्म के पहले वाले जितने भी टर्म्स है उसका सम क्या रहेगा 413, एंड सक्सीडिंग जो होगा उसका होगा आंसर 1043. लेट मी चेक द आंसर. 15413 and 1043. Okay, it's correct, right? Write down. यस बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. ये भी इम्पोर्टेंट है. इफ एस एन डिनोट्स द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स देन प्रूव दैट एस 12 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एस 8 माइनस एस 4. 3 टाइम्स ऑफ एस 8 माइनस एस 4. ओके, तो प्रूव करना है हमें एस 12 इज इक्वल टू दिस मच. तो क्या करेंगे, सबसे पहले एस 12 लिख लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, या फिर पहले आरएचएस लेके भी कर सकते हो, तो सीधा एस 12 में आप कन्वर्ट कर सकते हो. ठीक है, तो आरएचएस देख लेते हैं पहले, जो भी आपको ठीक लगे कर सकते हो. ठीक है, तो जो आरएचएस है वो क्या रहेगा कि 3 टाइम्स ऑफ एस 8 माइनस एस 4. ये राइट हैंड साइड है. ओके, क्या लिखेंगे, 3 टाइम्स ऑफ एस 8. एस 8 मतलब क्या होगा, फॉर्मूला लगाएंगे वही वाला एस एन एन बाय 2 टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाले. तो एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ठीक है, देन व्हाट, माइनस. ओके, बहुत सारे ब्रैकेट्स होने वाले हैं, बहुत सारे ब्रैकेट्स होने वाले हैं, बहुत सारे. ठीक है, देन माइनस 4 बाय 2 क्योंकि एस 4 है, ब्रैकेट में लिखेंगे 2a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी. ओके, क्योंकि n इज इक्वल टू यहां पे 4 है. तो सिंपल, मैंने कुछ नहीं किया, फॉर्मूला अप्लाई कर दी, जो सम ऑफ की फॉर्मूला है 3. क्या आएगा, 2 8 बाई 2 मतलब कि 4 हो जाएगा, 2a यहाँ पे 8 माइनस 1 मतलब कि 7d हो जाएगा, माइनस यहाँ पे करे तो क्या होगा, 2 बचेगा और ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस 3d बचेगा, है ना. तो ये कॉन्सेप्ट रहेगा यहाँ पे, बहुत इजी है, खाली फॉर्मूला हमने डाली और कुछ नहीं किया. देखो अब क्या होगा, 3 को वैसे ही बाहर रखते हैं, ब्रैकेट पूरा ओपन कर देते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं. 4 टू जा 8a प्लस 28d माइनस 4a माइनस माइनस इनटू प्लस माइनस 3 टू जा 6d. समझ में आया ना, 2 टू जा 4a 2 इंटू 3d मतलब 6d, माइनस साइन था तो माइनस लग रहा है. क्लियर है बच्चों, वेरी फाइन. अब क्या करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई और करना पड़ेगा. 8a माइनस 4a 4a प्लस 28d माइनस 6d 22d. ओके बच्चों, यहां से आप डायरेक्ट यहां पे आ सकते हो, नहीं तो दूसरा ऑप्शन है, मैं आपको बताता हूं. पहले मैं डायरेक्ट आ रहा हूं, यहां से 2 और कॉमन निकलेगा 4a और माइनस 22d से, तो बाहर क्या हो जाएगा 6, अंदर क्या बचेगा 2a, सॉरी ये प्लस 22d होगा, 28d माइनस 6d तो प्लस 22d. ओके, तो प्लस का साइन रहेगा, यहां से 2 मैंने कॉमन निकाल दिया, यहां से 2 निकाल दिया तो 3 का 6 हो गया, 4a का हो गया 2a और इधर हो जाएगा 11d. यहां तक क्लियर है बेटा बच्चों, ठीक है. अभी देखो 2a में ऐसे ही लिखता हूं, 11 को लिखता हूं 12 माइनस 1 इंटू डी. ओके, तो आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इसमें भी कुछ हो सकता है. 6 की जगह पे अगर मैं यहां पे 12 बाय 2 लिखू तो चलेगा, चलेगा ना 6 की जगह पे. तो देखो ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में एस 12 तो है, एन बाय 2 12 बाय 2 टू ए एन माइनस 1 12 माइनस 1 इंटू डी. तो ये क्या हो गया, ये जो फॉर्मूला है किसकी है, एस 12 की है. ठीक है बेटा बच्चों, अगर आपको ऐसा लगे कि हमें ये समझ में यहां से थोड़ा
क्रिएट करना नहीं आया तो आप क्या कर सकते हो, आप एलएचएस में जा सकते हो, ठीक है, एलएचएस में जा सकते हो। तो क्या करेंगे, एलएचएस क्या है हमारे पास, S12 है, ठीक है। और यहां पे देखो ये ऑप्शनल है, यहां से आप थोड़ा मल्टीप्लीकेशन मतलब कि ब्रैकेट ओपन कर दो, तो 4 3 जा क्या हो जाएगा 12, 22 × 3 क्या हो जाएगा 66D। तो ये यहाँ पे आप नंबर वन एक इक्वेशन दे दो। देखो मैं ये सेकंड ऑप्शन बता रहा हूं ना, सेकंड मेथड है आपका, मेथड टू, कंफ्यूज नहीं हो जाना। आप डायरेक्ट ऐसे आ सकते हो और ये हो गया LHS, अगर आपने इसको फॉलो किया, इसको फॉलो किया है ना, ये अगर पूरा फॉलो किया तो LHS हो गया। अगर आपको यहां रुक जाना है सो यू हैव टू गो दिस वे, क्या करोगे आप, मल्टीप्लीकेशन करोगे और सिंप्लीफाई कर दोगे, तो 12A प्लस 66D, और उसको दे दोगे इक्वेशन नंबर वन, सही है। और ये क्या है, LHS इज इक्वल टू S12। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे और वन जो है उसी हिसाब से टू ला देंगे, कैसे होगा यह, कैसे होगा, S/12 मतलब क्या होगा, 12/2, 2a प्लस क्या n-1, 12-1 इंटू डी, सही है, 6 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस 11d क्या हो जाएगा 12a प्लस 66d, इक्वेशन नंबर टू, देख लो देख लो देख लो, दोनों इक्वल है कि नहीं है, इक्वल है ना। तो ये LHS का सिंप्लीफिकेशन था, ये हमने RHS सिंप्लीफाई किया था, दोनों का आउटकम एक ही है, सो वी कैन से LHS इज इक्वल टू RHS, एंड देन हैंड्स प्रूव, ओके, सो हियर LHS इज इक्वल टू RHS, हैंड्स प्रूव हो गया बाय S1 इज इक्वल टू 2, है ना, ये दोनों इक्वल है इसलिए दोनों प्रूव हो चुके। तो आप दोनों तरीके में, तरीके से किसी भी तरीका यूज कर सकते हो, यू कैन यूज दिस मेथड और यू कैन यूज दिस मेथड, ओके, क्लियर बच्चों, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने ऑलमोस्ट कर चुके हैं, आज आप जो एक्सरसाइज है 9th B की, और जो भी आपकी, अगर आप एस्टन यूज नहीं कर रहे हो, कोसाइन यूज कर रहे हो, तो सम ऑफ की जो भी आपकी एक्सरसाइज है आपको वो होमवर्क में कंप्लीट करनी है, कंप्लीट करनी है, कंप्लीट करनी ही है, मुझे सेंड करनी है इन, ओके, विदाउट मिस्टेक। और आपको फिर क्या करना है, कुछ भी डाउट्स है, कुछ भी इश्यू है, कुछ भी कंसर्न है आपका, टेंशन नहीं लेना है, उसके पास ही डाउट्स आते हैं, उसको ही प्रॉब्लम होता है जो कुछ काम करते हैं, कुछ ट्राई करते हैं, जो लोग नहीं करते हैं, जो लोग कॉपी पेस्ट करते हैं, उनके पास कुछ इश्यू नहीं होता है, कुछ डाउट नहीं होता है। तो अपना जो भी कंसर्न है आप मुझे बताइए, मैसेज करिए, ग्रुप में डालिए और हम लोग उसको क्लियर करेंगे और धीरे धीरे फिर आगे बढ़ेंगे। तो राइट इट डाउन, यस बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15, ये भी इंपॉर्टेंट, फाइल में जाएगा, आपको पता है, फिर से रिमाइंड करा देता हूं कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आपको टैग करवा रहा हूं वो सारे हमें एक फाइल बनानी है जिसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जाएंगे विद सॉल्यूशन, ओके। तो एट टाइम ऑफ द एग्जाम, मतलब आपके 1-2 दिन पहले, 3 दिन पहले जब आप रिवीजन कर रहे हो तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, है ना, कोई भी छूट ना जाए, इसलिए हमें एक अलग से फाइल बनानी है। बताया था क्यों फाइल बनानी है, रीजन दूसरा भी था, क्या था, कि सिर्फ मैं एसएन में से तो क्वेश्चन लूंगा नहीं, पूरे साल में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे, जैसे कि कोसाइंस में से भी करेंगे, बोर्ड के जितने भी पेपर है वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे, और बहुत सारे आउट जितने भी बाहर के क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमें मिलते हैं, किसी का भी डाउट बाहर से कहीं से भी आता है तो हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो एट द एंड ऑफ द ईयर हमारा क्वेश्चंस कहीं इधर उधर ना चला जाए, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हम फाइल बनाएंगे, भूलना नहीं है, ओके। तो ये जो क्वेश्चन है वो फाइल में जाएगा, ठीक है बच्चों, ओके। तो क्वेश्चन देखते क्या है, शो दैट द सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू द 1 + 1/2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स। देखो इसके प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया था, हमने डिराइव किया था कि फर्स्ट
एन नेचुरल इवन नेचुरल नंबर्स एन फर्स्ट एन और नेचुरल नंबर्स जो सम होता है हमने डिराइव किया था और उसका ही कंपैरिजन है कि ये वन प्लस वन अपॉन टाइम्स होता है ऑड नेचुरल नंबर्स ऑफ द सम है उसके साथ आप मल्टीप्लाई करो तो इट विल बी इक्वल टू द इवन नेचुरल नंबर्स का सम ऑफ होता है। समझ में आया ना क्वेश्चन? तो सबसे पहले मैं थोड़ा जल्दी जल्दी ये भी डिराइव मतलब हम लोग डिराइव कर लेंगे कि इवन और ऑड नेचुरल नंबर्स का सम ऑफ क्या होता है। देखिए ओके तो हमें पता है कि ऑड नंबर्स जो रहेगा ऑड नेचुरल नंबर्स जो रहेंगे वो क्या रहेंगे वन थ्री फाइव एंड व्हाट टू एन माइनस वन इट विल बी लास्ट नंबर। अब फॉर्मूला मैंने बताया था कि टू एन माइनस वन जो होता है वो ऑड नेचुरल नंबर्स का लास्ट टर्म होता है यही फॉर्म में होता है। जब आप n इज इक्वल टू वन लोगे तो वन आएगा n इज इक्वल टू टू लेगो मतलब सेकंड टर्म तो थ्री आएगा ये फॉर्मूला में डाल के ये फॉर्मूला में डाल के जब n इज इक्वल टू थ्री लोगे यही फॉर्मूला में डाल के तो फाइव आएगा। आप चेक कर लेना फिर से पहले वीडियो में हमने अच्छा सा डिस्कशन किया था ठीक है। यहाँ पे सम क्या आएगा लिख लेते हैं कि जो सम आएगा नेचुरल नंबर्स का और का ठीक है ना और नेचुरल नंबर्स का वो क्या आएगा देखो n बाय टू और फॉर्मूला है हमारे पास a प्लस l फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म तो n बाय टू तो वही रहेगा क्योंकि n नेचुरल नंबर से फर्स्ट टर्म a क्या है वन है लास्ट टर्म क्या है टू एन माइनस वन है कि नहीं ओके तो ये कैंसल क्या आएगा n बाय टू वन प्लस माइनस ये कैंसल हो जाएगा प्लस प्लस वन एन माइनस वन तो बचेगा टू एन टू टू विल बी कट आउट सो आंसर विल बी एन स्क्वेयर ये हो गया और नेचुरल नंबर्स सही है ओके। अभी देखो सेम हम लिखते हैं फॉर इवन इवन नेचुरल नंबर्स क्या आएंगे टू फोर सिक्स कहां तक जाएगा टू एन तक जाएगा उसका सम क्या आएगा इवन का क्या आएगा वही फॉर्मूला यूज करेंगे n बाय टू ए प्लस एल एन बाय टू तो वही रहेगा a क्या है टू है l क्या है टू एन है टू टू विल बी कॉमन ओके और ये टू के साथ कट हो जाएगा बचेगा क्या वन प्लस एन यही बचेगा बच्चों है ना बहुत अच्छा। तो हमारे पास ऑलरेडी सम आ गया और इवन नेचुरल नंबर्स का हमें ये प्रूव करना है ठीक है। तो क्या करते हैं इनका कहना है कि इवन नेचुरल नंबर्स जो होते हैं सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स वो इक्वल होते हैं ऑड नेचुरल नंबर्स को इतने टाइम्स मल्टीप्लाई करने के इक्वल होते हैं। तो हम लोग करते हैं क्या करते हैं एज पर क्वेश्चन ओके एज पर क्वेश्चन क्या होगा कि वन प्लस वन अपॉन एन वन प्लस वन अपॉन एन इंटू क्या एस एन कौन सा वाला ऑड वाला जो सम होता है ये वाला वो इतने का बराबर है वन प्लस वन अपॉन एन टाइम्स है एस एन ऑफ ऑड ओके इक्वल टू क्या आना चाहिए हमारा एस एन इवन आना चाहिए चेक करते हैं ठीक है। चलो क्या होगा एलसीएम लेने से एन प्लस वन अपॉन एन ये ब्रैकेट हो गया एस एन ऑड हमने फाइंड किया था क्या था एन स्क्वेयर ठीक है ये एन एन कट आउट हो गया ओके बचा क्या एन तो इसको मैं पहले लिख रहा हूं ये बाद में एन प्लस वन इधर लिख रहा हूं या वन प्लस एन भी लिख सकता हूं वो क्या है भाई देखो एस एन ऑफ इवन है कि नहीं है कि नहीं ओके फाइन अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है तो सीधा फॉर्मूला सामने सामने बिठा के एस इवन इज इक्वल टू दिस टर्म एफ ऑफ एस एन और दोनों करके इक्वल करके ये ला देना है समझ में आया ना आपको ओके शो नोट इट डाउन